डटो ना डटो भाई, हम हमारा हक मानते हैं, किसी से भी नहीं हारते। मजी भी यहाँ बैठे हैं, इसी गांव से हैं, और गायों की जो दुर्दशा इस सीमेंट फैक्ट्री से जो हुई है वो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आपकी मीडिया द्वारा अच्छा कवरेज दिया गया इस मामले को लेकर। जो कंपनी का दायित्व था उस दायित्व को कंपनी ने अभी तक नहीं निभाया, और यहाँ के किसानों के साथ में भी वही पीड़ा हो रही है। ये जो आवारा पशु हैं वो किसानों के खेतों के अंदर चले जाते हैं रात को, तो किसान भी इस पीड़ा से पीड़ित हैं, और उनको खाने के लिए उन गायों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो भूख से वैसे भी पीड़ित है। दोनों ही गाय भी पीड़ित है यहाँ और किसान भी पीड़ित है, और ये कंपनी वाले केवल पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। इनकी नैतिक दायित्व की जो जिम्मेदारियां थी उनसे ये कंपनी वाले प्रशासन वाले हट चुके हैं, यहाँ सुनने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। आज धरने का 19वां दिन है, किसी प्रकार की वार्ता का दौर प्रारंभ हुआ है या फिर जस के तस बैठे हो आप लोग? आज किसान सभा को वे 3 दिन हो गए। किसान सभा में जिस प्रकार से यहाँ आस पड़ोस के गांव के किसानों और युवाओं ने जिस प्रकार से जोश दिखाया उससे कंपनी और प्रशासन हिल चुका है, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आज भी कंपनी वार्ता करने से डर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि ये समझौता किसानों के साथ न होकर किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ समझौता किया। संघर्ष समिति में कुछ और भी मुद्दे जुड़ चुके हैं, जिसमें गायों जो आवारे पशु हैं उनका मुद्दा हो, चाहे यहाँ यातायात की व्यवस्था हो या ओवरलोड जितने वाहन हैं उनके लगातार मुद्दे हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। अभी ओवरलोड के मामले में हमने शिकायत लिखित में कल परिवहन मंत्री को भी दी है, यहाँ के कलेक्टर महोदय को भी दी है, उसके साथ साथ में यहाँ के जो झुंझुनू जिले के DTO साहब हैं उनको दी थी। कल हमारा किसानों का प्रतिनिधि मंडल वहाँ पहुँचा था और उन्होंने जल्द ही कार्रवाई करते हुए यहाँ के झुंझुनू के DTO साहब और उनके साथ में 2 फ्लाइंग अफसर और 2 इंस्पेक्टर यहाँ आए थे कल शाम को, और उन्होंने यहाँ पूरी रोड का मौका मुआयना किया। जो यहाँ से 5-7 रोज पूर्व जो कंपनी का जो ब्रेकर बनाया गया था उसे जो दुर्घटना हुई थी उसको भी हटाने के लिए DTO साहब ने निर्देशित कर दिया है। साथ ही यहाँ कंपनी के अंदर जो ओवरलोड डंपर जा रहे थे उसको निषेध करवा दिया है अपने यहाँ के जिला परिवहन।